वालेकुम, जेड एंड कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी मेरी स्टाइल में चिकन टिक्का बिरयानी। तो मैंने उसके लिए सामान देख लीजिए, ये मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम। अब हम इसे मैंने इसे अच्छी तरह धोकर साफ कर ली है। अब इसमें हम मैरिनेशन के लिए सामान कुछ मसाले ऐड करेंगे। पहले मैं आपको वो सब मसाले बताती हूँ। यहाँ मैंने लिया है बिरयानी मसाला, मैदा, कॉर्नफ्लोर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, एक अंडा, दही, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन, काली मिर्च का पाउडर, फूड कलर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टिक्का मसाला और एक नींबू का रस। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ चिकन के अंदर 2 से 2.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और सब मैं इसी टीस्पून से मेजरमेंट कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, एक एक टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी ली, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ली हूँ और यहाँ 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, डेढ़ टी स्पून मैदा, और ये कोई भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला ले सकते हैं। मैं यहाँ ये बिरयानी मसाला जो है वो 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 से 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 से 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये फूड कलर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है बिरयानी में इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और ये टिक्का मसाला है जो मैं 2 से 2.5 चम्मच तक ऐड कर दूंगी। अब इसमें 1 नींबू का रस या 2 टेबलस्पून नींबू का जूस और इसमें 1 अंडा भी डालेंगे। और नमक आप आपके हिसाब से डालिए। मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दी है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे। अब मैंने इसमें ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर रही है। अब इसको एक कोयले को जलाकर इसका स्मोक दे देंगे। अब मैंने इस पर एक जलता कोयला रख दिया है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। अब ये चिकन मैरिनेट करके 1 घंटा हो चुका है, हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें पूरे चिकन के पीसेस तल कर लेना है। बिस्मिल्लाह। तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा कम गर्म है ताकि हमारा गोश्त अंदर तक अच्छे से पक जाए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्राई हो रहा है, तब तक के लिए हम चावलों को पानी में बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैं आपको बताती हूँ, चिकन फ्राई हो रहा है तब तक के लिए हम चावल बॉईल करने के लिए पानी रख देंगे। पानी थोड़ा चावल से ज्यादा रखना। अब इस पानी में कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा शाजीरा, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 4 काली मिर्च, 1 फूल, 2 तेज पत्ते और 2 टुकड़े दालचीनी के।
और 2 से 3 चम्मच नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा रखना, ये पानी हम बाद में छान लेते हैं तो खारा नहीं होता। मैंने 2 से 2.5 चम्मच नमक ऐड कर दी। अब मैं इसे बॉईल आने तक ढक कर रखूँगी। हमने चावलों को पानी बॉईल करने के लिए रख लिया है, तब तक हम चिकन का मसाला बना लेंगे। अब मैंने ये वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने चिकन फ्राई कर लिया था। अब इसमें हम क्या क्या मसाले डालेंगे वो बताती। वही है सब, हरी इलायची, ज़ीरा, शाहजीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी और 2 तेज़पत्ते, 1 कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर, पिरिस्ता की प्याज, दही, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, बिरयानी मसाला, कोथमीर और पुदीना। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करती हूँ। अब ये गरम मसाले अच्छे से चटक चुके हैं, मैं इसमें 2 हरी मिर्ची और 1 कटी प्याज ऐड कर दूंगी। अब हम इसे अच्छे से लाल कर लेना है। एक बार ये बिरयानी आप जरूर ट्राई करें। अब ये प्याज अच्छे से लाल हो चुके हैं, मैं इसमें अदरक लहसुन 2 चम्मच ऐड कर दूंगी। तो हमने चिकन में भी अदरक लहसुन डाले थे, इसे अच्छे पका लेंगे। चिकन इसमें डाले तब लहसुन अच्छे से भून लिए हैं। मैंने छोटी साइज के 2 से 3 टमाटर इस तरह से कट कर ली थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर अच्छे गल रहे हैं, तब तक हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से फीका रख सकते हैं, फीका फीका मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी काली मिर्च का पाउडर। ये मसाले हमें स्लो फ्लेम पर ही भूनने हैं। अब हम इसमें, मैंने 1 कटोरी दही ली थी, इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे। दही ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम स्लो रखें और स्लो पर ही ये सब मिक्स कर दें। मसाला हमारा दही पकने तक के लिए अच्छा कम फ्लेम पर ही मसाले को भुने ताकि दही इसमें फटे नहीं। इसे 23 मिनट तक हमें पकने देना है। तब तक के लिए हम देखते हैं हमारे बिरयानी के पानी में उबाल आ चुका हुआ। आप ये रेसिपी पूरी देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत अच्छी बिरयानी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे स्टाइल की टिक्का बिरयानी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जो चिकन मेरा फ्राई हो चुका था, अब मैं इसमें पूरा चिकन ऐड कर दूँगी। गैस हमको इस वक्त स्लो रखना है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए ये चिकन मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने जिसमें चिकन मैरिनेशन किया था उसमें 1/2 ग्लास पानी डालकर हमें पूरे मसाले को अच्छी तरह से निकाल कर इसमें ऐड कर देना है ताकि हमारे मसाले में थोड़ी सी ग्रेवी आ जाए। ½ से 1/2 ग्लास पानी आप इसमें मिक्स करके हमारे चिकन की ग्रेवी को देखिए, अभी मसाले में ऑयल सेपरेट हो चुका है। हम इसमें अब 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़े कोथमीर और पुदीना वो भी ऐड कर देंगे। अब ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चेक कर सकते हैं नमक, मिर्ची, जो भी आपको कम ज़्यादा लग रहा है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये मसाला मेरा बिल्कुल रेडी। अब ये
ये बिरयानी के चावलों में पानी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है। इस वक्त हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे, इससे हमारे चावल जो है वो अच्छी तरह खिले खिले बनेंगे। ये मैंने बासमती चावल ली थी जो मैंने एक घंटे तक भिगो कर रखी थी, अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बिल्कुल धीरे से, पानी बहुत गर्म है, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसको 80-90% तक कुक कर देंगे हाई फ्लेम पर। चावल में नमक थोड़ा ज़्यादा रखना, आप नमक चेक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा ही रखें। अब हम इसमें थोड़ी कोथमीर भी ऐड कर देंगे। कोथमीर और पुदीना डालकर हम चावलों को अच्छे से उबाल लेंगे और इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अच्छे से उबाल ले लेंगे, इसे हम ढककर उबाल लेंगे 80-90% तक इसे कुक कर देंगे। अब मैं इसे ढक देती हूँ। अब ये मसाला अच्छे से पक चुका है, अब इसमें तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें अपने तले हुई प्याज जो है नीचे इसका हम इसे थोड़ा चूर कर इसमें ऐड कर देंगे। इसे हाथों की मदद से या मिक्सर में से भी इसे थोड़ा सा क्रश करके ले सकते हैं। इस वक्त हमें गैस की चूल्हे में बिल्कुल मीडियम रखना है और थोड़ी प्याज हम बचा के रखेंगे गार्निश के लिए। अब देखिए ये मसाला अच्छे से पक चुका है। अब मैंने यहाँ इसमें थोड़ी सा हरा धनिया जो मैंने धोकर रखा था वो ऐड कर दूंगी और थोड़े से पुदीने के पत्ते जो मैंने धोकर उसे भी रख दिया था, उसे अच्छे से पकने देंगे। चावल बॉईल हो चुके हैं, मैंने इसे एक छन्नी में निथारने के लिए रख दिए थे। अब हम इसमें लेयर लगाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा पहले नीचे थोड़ा सा ऑयल बिछा दूंगी, सब तरफ से घुमा देंगे और इसमें नीचे आलू, ये बिल्कुल ऑप्शनल है बिरयानी में, मेरे बच्चों को आलू अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसे इस तरह कट करके नीचे बिछा देती हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, बिल्कुल भी ऑप्शनल है। इस तरह हम एक एक करके इसमें ये सब आलू बिछा देंगे। अब मैंने इस तरह थोड़े से आलू नीचे बिछा दिए हैं। अब हम चावल थोड़े थोड़े फैला लेंगे। आप इसमें से चावल में से अगर आपको गरम मसाला नहीं पसंद तो आप इसमें से इस वक्त निकाल कर भी रख सकते हैं, क्योंकि गरम मसाले के फ्लेवर हमारे चावल में आ चुका है। अब मैंने इसमें चावल बिछा दी है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी, थोड़ा सा ग्रीन और ऑरेंज, मुझे दोनों फूड कलर अच्छे लगते हैं इसलिए मैं 2 फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको फूड कलर नहीं डालना तो आप नहीं डाल सकते हैं। और इस पर मैं थोड़े से प्याज भी डालूंगी और थोड़ा कोथमीर और पुदीने भी के पत्ते भी इसमें इस वक्त ऐड कर लूंगी और थोड़ा सा 1-2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो इसमें तेल भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें अब मसाला बिछा देंगे, सब तरफ मसाला जाना चाहिए। इस तरह हमें ये मसाले की लेयर बिछानी चाहिए, किनारे से बीच में। माशाल्लाह बिरयानी तो बहुत अच्छी लग रही है, आप इसे जरूर एक बार ट्राई करना। इस तरह मैंने बिछा लिया, थोड़ा सा रिश्ता मैं इस पर और ऐड कर दूंगी और थोड़े थोड़े चावल भी इस पर हम लगा देंगे एक लेयर की तरह और बिल्कुल थोड़े से चावल हम ऊपर ऐड करेंगे ताकि उसी तरह इस पर भी पुदीना और कोथमीर के पत्ते हम ऐड कर देंगे और 1-2 चम्मच देसी घी भी डाल देंगे ताकि हमारे चावल अच्छे नरम
पक जाए। अब इस पर फिर से हम मसाले की लेयर लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई थी। अब मैंने दूसरी लेयर पर भी मसाला हमारा फैला दिया है। अब जो थोड़े से चावल बचे थे हम वो ऊपर डाल देंगे, सब अच्छे से बिछा देंगे। ये हमारा लास्ट चावल का लेयर है, ये बिल्कुल थोड़े से चावल है ताकि हमारा मसाला बीच में रहे और नीचे और ऊपर थोड़े थोड़े चावल रहे। अब हम इसे अच्छे से फैला देंगे। अब मैंने चावल भी डाल दिया है, ये हमारी फाइनल लेयर है। इस पर मैं इस तरह बिरिस्ता बिछा दूंगी और सेम वैसे ही वही प्रोसेस हमें करना है। इसमें भी थोड़ा सा फूड कलर और इसमें मैं कोथमीर और पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दूंगी। ये हमारी लास्ट की लेयर है और हम इसे 2 से 3 चम्मच घी भी ऐड कर देंगे और हम इसे एक कोयला स्मोक करके रख देंगे और इसे दम पर रखेंगे। दम पर हमें 15 से 20 मिनट के लिए रखना है और इसे बीच में खोलना नहीं है। अब ये हमारी बिरयानी दम के लिए पूरी तैयार है। अब मैंने इसे दम पर रखने के लिए मीडियम गैस पर 20 से 25 मिनट के लिए रखना है और मैं इसमें अब एक जलते हुए कोयले का स्मोक दूंगी ताकि हमारे बिरयानी में पूरी तरह से टिक्का और स्मोकी फ्लेवर आए। अब इसमें एक जलते हुए कोयले को इस तरह बीच में एक कटोरी रखकर आप ये कोयला उस पर रखकर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे 20 मिनट के लिए 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह दम पर रखेंगे और बीच में बिल्कुल भी इसे खोलना नहीं है और लो फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए हमें दम देना है। ये बिरयानी को हमारी दम देकर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर देखते हैं। माशाल्लाह, अब ये कटोरी जो है हम उसमें की वो निकाल लेंगे। और हमारी बिरयानी पक चुकी है। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। अब ये बिरयानी मैंने सर्व कर दी है। आपको मेरी बिरयानी कैसी लगी, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल जेड एन कुकिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ तब तक के लिए अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।